गुड मॉर्निंग, मैं मंजू मैम हूँ। क्लास थ्री का कन्वर्सेशन पढ़ाने जा रही हूँ। चैप्टर है कन्वर्सेशन थ्रू फ्रेज। हाँ, अंग्रेजी में वाक्य के स्थान पर अनेक बार वाक्यांश अथवा केवल दो एक शब्दों से काम चलाया जाता है, मैंने दो या एक शब्दों से काम चलाया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर यस सर, नो सर, वेरी गुड सर आदि। ये वाक्यांश इतने अधिक प्रचलित हैं कि अंग्रेजी बोलने पर और समझने के इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति को इनसे परिचित होना अत्यंत आवश्यक है। ये वाक्यांश बहुत सरल भी है क्योंकि ये व्याकरण के पेचीदा नियमों से बंधे हुए नहीं हैं। ये जो है यस सर, नो सर, वेरी गुड, ये सब जो हैं वह व्याकरण से नियमों से ही बंधे हुए नहीं हैं। जैसे जस्ट कमिंग, मैं अभी आ रहा हूँ, वेरी वेल, बहुत अच्छा, फाइन, अच्छी बात, यस, अस यू लाइक, और है थैंक यू एल्स, दैट्स इनफ, थैंक्स फॉर दिस ऑनर्स, ओके, व्हाई नॉट, नॉट एबल। इस तरह से बहुत सारे इसमें शब्द हैं जिसे आपको पढ़कर पता चलेगा कि ये सब किस चीज़ के लिए जरूरी है, उसके बारे में फिर नीचे दिया हुआ है। ये लगभग सभी वाक्यांश हैं, एक पूरे जो हैं ये वाक्यांश हैं। वाक्यांश जैसे आप लोग अनेक शब्दों के एक शब्द पढ़े होंगे वाक्यांश, तो ये वाक्यांश हैं, पूर्ण वाक्य नहीं, पर इनसे पूर्ण वाक्य जैसा काम लिया जाता है। ये वाक्य पूरा नहीं है लेकिन फिर भी आप जैसे ही पढ़ते हैं तो इसका काम लिया जा सकता है, काम चल सकता है, क्योंकि समझ में आता है कि ये क्या करना है और क्या नहीं। अब दूसरा है प्रैक्टिस। तो इसमें क्या करना है आपको, हिंदी दिया है और इसका इंग्लिश में लिखना है। जैसे जुराब, जुराब मीन्स होता है मोजा, जैसे आप लोग बोलते हैं पैतावा, हैं तो जुराब का इंग्लिश क्या लिखिएगा, सॉक्स, रुमाल, एंकरचीफ, शाम, इवनिंग, अनार, पोमग्रेन। तो इस तरह से आपको इंग्लिश में लिखना है। राइट द फॉलोइंग नेम्स इन इंग्लिश, और इसका जो नाम दिया हुआ है उसको भी आप इंग्लिश में लिखिएगा। कुछ होमवर्क है, इसे आप समझ लीजिएगा और लिखिएगा।